बालासोर रेल हादसे पर हर कोई स्तब्ध है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। हादसे में 350 से अधिक लोगों की जान गई है। इस हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती घायलों की जान बचाना है। घायलों की हर संभव मदद के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। भुवनेश्वर एम्स में आपातकालीन 100 बेड की व्यवस्था की गई है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से हर कोई स्तब्ध है। इस हादसे में खबर प्रसारित होने तक 288 लोगों की जान जा चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग समाप्त हो चुका है। रेल यातायात को चालू करने का प्रयास शुरू किया गया है। घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे का जायजा लिया है। इस हादसे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बालासोर रेल दुर्घटना के प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुखद और दर्दनाक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए स्वयं ग्राउंड जीरो पर वो जा रहे हैं। सुबह रेल मंत्री ने निरीक्षण किया है और जो मृत लोग हैं उनका पोस्टमार्टम करके उनके शवों को ससम्मान उनके घर पहुँचाया जा रहा है। रेल आवागमन ठीक हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि इस हादसे के बाद अगले 72 घंटे घायलों के लिए बेहद क्रिटिकल हैं। इसी के दृष्टिगत तत्काल उड़ीसा भुवनेश्वर के एम्स में गंभीर घायलों की चिकित्सा के लिए आपातकालीन 100 बेड की व्यवस्था की गई है। बालासोर के नजदीक कटक मेडिकल कॉलेज में एम्स की 10 सदस्यीय टीम मौजूद है। गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर एम्स ले जाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का चिकित्सीय दल भी बालासोर के लिए उड़ान भर चुका है। शुरू के 72 घंटे हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हैं कि जो अब घायल और गंभीर घायल हैं तो ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। हमारे केंद्र सरकार का एक बड़ा एम्स उसी राज्य में भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर के डॉक्टर को हमारे मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कहा गया है, तो 11 सदस्यीय डॉक्टरों की एक टीम कटक मेडिकल कॉलेज जो नियर बाई है वहाँ पर इंतजाम के तौर पर पहुँच चुके हैं और 8 चिकित्सकों की बालासोर मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुके हैं। साथ ही भुवनेश्वर एम्स में 100 बेडों का देखते हुए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वहाँ इंतजाम किया गया है कि जब ये जो गंभीर घायल अगर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इन्फेक्शन होता है या आवश्यकता पड़ती है तो भुवनेश्वर एम्स में 100 बेड का इंतजाम किया गया है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट विंग हमारी स्वास्थ्य परिवार कल्याण की नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर के 2 चिकित्सक एम्स के 1 सफदरजंग के दिल्ली से भी जाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस 3 ट्रेनों की टक्कर हुई। हादसे में अब तक 288 लोगों की जान जाने की खबर है। 900 से अधिक लोग घायल हैं। पीड़ितों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे राहत एवं बचाव कर्मी तेजी से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। 2000 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रेन हादसा साल 2004 के बाद दुनिया में हुआ सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में घटित हुई थी। यहां 26 दिसंबर 2004 को ओशियन क्वीन एक्सप्रेस में सवार करीब 1700 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की वजह सुनामी रही, जिसके चलते पूरी की पूरी ट्रेन सुनामी की तेज लहरों में विलीन हो गई थी। कैसे हुआ ये बालासोर ट्रेन हादसा? बालासोर ट्रेन हादसा 2 जून शाम करीब 7:20 पर हुआ। रेलवे के मुताबिक बेंगलुरु से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे अचानक बहानगा बाजार में पटरी से उतरकर दूसरी पटरी में जा गिरे। ट्रेन के डिब्बे दूसरी पटरी पर आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के करीब कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी से टकरा गए। जानकारी के मुताबिक हादसा हावड़ा से करीब 255 किलोमीटर दूर बहानगा बाजार स्टेशन पर हुआ। ओडिशा बालासोर में हुए हादसे के बाद रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई है। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।